हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मसरू अली शाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और हम पैन टूल को कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पैन टूल को यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से कोई भी शेप अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इसमें हम पैन टूल के साथ साथ मजीद कुछ ऑप्शन है उसको भी कवर करेंगे ताकि हमारी क्रिएशन में आसानी हो और आपकी प्रैक्टिस में भी आसानी हो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जाते हैं। लेट्स मूव। तो जी, अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम फाइल में जाएंगे, फाइल से न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट की यह पैनल खुल गया और इसमें 1024768 हाइट रखेंगे, यूनिट में पिक्सल स्टेट रखेंगे, एडवांस फेस अगर इस तरीके से आ रहा हो तो इसको ओपन करके देख लेंगे कि RGB सेलेक्ट हुआ। वो इस पैनल की पूरी थ्योरी क्लास में लूँगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपकमिंग वीडियो में इसकी मैं थ्योरी क्लास भी लूँगा और ताकि आपको पता हो कि ये स्क्रीन क्या है, RGB क्या है, CMYK में क्या फ़र्क है। तो फिलहाल अभी इसको ओके करते हैं और ये आपका स्टेज खुल गया है। अब हम फाइल में प्लेस में जाएंगे और यहाँ से मैंने एक फाइल को सिलेक्ट करना है और प्लेस कर दें तो ये आपकी फाइल ओपन हो गई। अब बात सारी ये है कि ये फाइल थोड़ी सी ब्लर भी हो रही है और ये मुझे मतलब इसको आप कहीं यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और फाइल ब्लर हो रही है तो इसको मुझे ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि ट्रेसिंग सिर्फ यहाँ के लिए सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते हम। हम हर जगह पे पैन टूल को यूज़ करेंगे तो पैन टूल की प्रैक्टिस अभी हमारी चल रही है और आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट इमेज ली है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, यहाँ शेड्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं तो ये हम पूरा बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने पैन टूल सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद ये इसको फिल कलर को जैसे मैंने आपको बताया था कि नन कर देगा, स्ट्रोक लेके ट्रेस करेगा, रीड्रॉ करेगा, दोनों का एक ही मतलब है, ट्रेस कर लें या रीड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले कंट्रोल टू से अभी देखेंगे आपकी इमेज इधर उधर हो सकती है मूव, तो मैं नहीं चाह रहा कि काम करते हुए इमेज इधर से उधर हो तो मैंने कंट्रोल टू प्रेस किया तो ये इमेज मैं ये क्लिक कर रहा हूँ ये मूव नहीं हो रही। तो बहरहाल अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। पैन टूल सेलेक्ट किया और यहां से मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद यहां मुझे कर्व हल्का सा चाहिए था एंड देन जहां जहां मुझे कर्व चाहिए होगा वहां वहां मैं दूंगा और ये मैं स्पेस प्रेस करके जो है वो स्टेज को मूव करा रहा हूं ताकि आपके काम में आसानी हो। यहाँ कर्व चाहिए मुझे, यहाँ मैंने कर्व दे दिया और इधर कर्व चाहिए, इधर कर्व दे दिया और इस हैंडल को रिमूव कर दिया ताकि यहीं से कंटिन्यू हो। मिस्टेक, कंट्रोल जेड और फिर उसके बाद अगेन मिस्टेक, कंट्रोल जेड कर देगा ताकि आप वापस अपने स्टेज पे आ जाएं। और ये मैंने कर्व दिया। आज आपको ये एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि जब कोई इमेज आपको पसंद आ रही हो उसको अगर आप बनाना चाहें कहीं से भी स्टार्ट कर लेगा। आज की क्लास में आपको ये लाजमी क्लियर हो जाएगा। अमूमन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम कहां से शुरू करें, तो मैंने देखें जैसे यहां से शुरू की फिर सेकेंड पॉइंट दे दिया, अब मैं ये वाले इस तरफ आ जाता हूँ, ये वाले हेड्स की तरफ आता हूँ एक काम अगर देखें इसमें कर्व नहीं आ रहा तो हम एक काम कर दें, ये हम कर्व दे देते हैं इसमें। ताकि और अच्छा लग जाए, थोड़ी बहुत खुद भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं जैसी इमेज आपकी है एज इट इज वैसे ही आप बनाए, कोई ऐसा मसला नहीं है।
ये आप शेप देखें, जो जो नज़र आ रहा है आप उसको देखें, सिंपल सिंपल क्लिक करते आ रहे हैं और बनाते आ रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस रखेंगे आपका भी माउस और हैंडलिंग ऐसी मूव होगी। देखिए जहां मुझे समझ में आता है मैं अपने पॉइंट को, अपने एंकर पॉइंट को इधर से उधर लेके जा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि यार ये यहाँ से मैं किधर लेके जाऊँ। तो जहाँ आपको समझ में आए आप ईजिली जो है वो अपने एंकर पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कर्व के साथ। अगर रिक्वायरमेंट हो तो कर्व जनरेट करेगा, नहीं हो तो नहीं करेगा। ये देखिए मुझसे मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये मैंने दोबारा इंसर्ट कर दिया, सेट हो गया। ये स्पेस प्रेस करके इसको मूव कराना होता है। ये देखें स्पेस प्रेस किया, ये देखें थंब का निशान लगेगा और क्लिक करके क्लिक को ड्रैग रखेंगे और ये मैं मूव करा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपके मतलब जो आप इमेज ट्रेस कर रहे हैं बिल्कुल वाज़े तौर पे इसके एजेस नज़र आ रहे होते हैं। वरना हम इस तरीके से भी काम करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूव कराने की। अब देखें यहाँ से मैंने शुरू किया था, पूरा मैं लेकर आया और यहीं पर ला के मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं फेस की तरफ जा रहा हूं, ये मैं फेस को ड्रॉ कर रहा हूं। देखें यही चीज मैं आपको बताया था कि कुछ ऑप्शंस हैं वो क्लियर होंगे। मैंने प्रॉपर जो है इसको कंटिन्यू नहीं रखा और डायरेक्ट वहां लाके क्लोज कर दिया। अब हम इस आईब्रो की तरफ जाते हैं, ये यहां से इसको कर दिया क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। नहीं रिक्वायरमेंट हो तो जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ले जा लाइन को यार। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको एडिशनल ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि बहुत पैशनेट होके काम करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि ये जल्दबाजी का और रबड़ दबड़ वालों का काम नहीं है। आराम से तहमुल से जो आर्ट को समझते हैं वही जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होते हैं पेंटर को समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी आगे की क्लासें। जो जो शेप मुझे जहां नजर आ रहा है मैं उसको रिड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ी बहुत चेंजेस भी अगर आ जाएं तो डबल माइंड नहीं होएगा, कंटिन्यू रखेगा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कितनी आपकी ड्राइंग बन गई है चेक करने के लिए आप कंट्रोल वाई प्रेस करेगा तो आपको ये वायर फ्रेम में दिखा देगा। ये मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया तो ये देखें ये सिर्फ आप ड्रॉ कर चुके हैं, जो एरिया रह गया है अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके चेक करूंगा। देखें इसके लिप्स रह गए हैं, नेक के शेड रह गए, तो अब मैं जो रह गए हैं उसको कंप्लीट कर लूँ, फिर हम कलर फिलिंग की तरफ जाएंगे। जो जो शेड नजर आ रहे हैं वो आप बनाते जाएं। अब ये वाला शेड जो है ये मुझे नजर आ रहा है
तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी शर्ट की तरफ जाएंगे। शर्ट को देखें, यहाँ से शुरू किया था, यहीं पर ही मैंने क्लोज कर दिया। अब ये नीचे का जो शेड है ये मैं जनरेट कर रहा हूँ, जो कॉलर शेड आ रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हम देख सकते हैं। कंट्रोल वाई प्रेस करके आप चेक कर लें, फिर वापस कंट्रोल वाई प्रेस करके ओरिजिनल स्टेज पे आ जाएं। अब मुझे ये इमेज को सेलेक्ट करके इसको मूव करके यहाँ रखना है, तो मैं वापस कंट्रोल ऑल्ट और 2 से ये लॉक ओपन कर दूंगा, अनलॉक कर दूंगा। कंट्रोल 2 से लॉक, कंट्रोल ऑल्ट और 2 से अनलॉक। अब ये अनलॉक हो गए, तो इसको क्लिक एंड ड्रैग एंड रिलीज कर दें क्लिक को, तो जो आपकी ड्राइंग है वो नजर आ रही है। इस पे आईब्रो जो है वो रह गई है, तो इसको हम यहीं से जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दोबारा लेके जाएं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ रह जाए उसको आप इजीली कंटिन्यू रखेगा। देखें थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, तो मैं कंट्रोल सेट करके वापस वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये देखें कंप्लीट कर लिया, वेरी सिंपल। सेलेक्ट टूल से इसको सेलेक्ट करके यहाँ एडजस्ट कर लिया आपने, वेरी सिंपल। तो बहरहाल अब हम फिलिंग कलर की तरफ जाते हैं। ये शेप मैंने सेलेक्ट करा, इस वाले हेयर्स के मुझे सेम यही कलर देने हैं। यहाँ से आपने आई ड्रॉपर लिया और सेम ये कलर कर दिया। सेम कलर अगर आपको चाहिए तो आप आई ड्रॉपर, यहाँ पे एक टूल है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी मैंने दोबारा सिलेक्शन टूल लिया, फिर मैंने ये वाला शेप सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और क्लिक कर दिया। अब आप चाह रहे होंगे इतनी सारी जगह पे अगर ब्लैक शेड है तो आप क्या एक एक करके सिलेक्ट करेंगे? नहीं, आप जो है ये शेड सिलेक्ट किया, इधर भी ब्लैक कलर है, शिफ्ट प्रेस करके ये वाला शेप भी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके ये वाला शेप भी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके ये शेप भी सिलेक्ट कर लें, और शिफ्ट प्रेस करके ये भी शेप सिलेक्ट कर लें। अब इससे ये होगा कि मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, जहां जहां ब्लैक की रिक्वायरमेंट थी वहां पे ब्लैक कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे जो शेड होगा यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये शेप है, तो यहाँ पे जो शेड है आई ड्रॉपर लिया, इधर मैंने दे दिया वो शेड। अब देखें ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, यहाँ पे अब मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, अरेंज में जाऊंगा और ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखें सबसे आगे आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा गाइड मैं आपको कर देता हूँ। ये शेप मैंने बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया एलिप्स टूल के थ्रू, फिर उसके बाद स्टार टूल बना दिया यहाँ पे, और कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ। इधर मैंने ये कलर दे दिया, यहाँ मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सबसे पहले शेप मैंने बनाया था तो ये सबसे आगे आ जाए, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, अरेंज में किया, ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखें सबसे आगे आ गया। देखिए ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है सबसे आगे आ जाना, और राइट क्लिक करके अरेंज, अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये आपका जो इलिप्स टूल है, जो सर्कल है, उसके आगे आएगा, स्टार के पीछे रहेगा। कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, राइट क्लिक, अरेंज, अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो सबसे आगे आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने, हमारे पास ये वाले ऑप्शन मौजूद हैं, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुई कि मैं कौन सा शेप किधर से स्टार्ट करूँ तब जाके मेरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो और कंप्लीट हो। तो देखें अभी शेप ये वाला
आगे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, हेयर्स को मैंने स्लाइड करें, अरेंज में क्या ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, यहाँ से ये आपका शेप पीछे चला गया। तो अब मैंने ये शेप स्लाइड किया, इस पर कलर दे देते हैं, ये कलर दे दिया मैंने, फिर वापस ये स्लाइड करता हूँ, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये शेप दे दिया। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे। अब मैंने फेस को स्लाइड किया, आई ड्रॉपर लिया, ये मैंने फेस पे क्लिक कर दिया। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, क्योंकि फेस आपका इसमें सबसे पीछे है। ये देखें, ये हेयर्स आगे आ गए, कंट्रोल जेड करा, हेयर देखें यहाँ पे हेयर्स पीछे जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इधर के हेयर्स भी आगे आ जाएं। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक का मतलब बिल्कुल पीछे चले जाना, तो सेंड टू बैक मैं कर दूंगा। और ये शेप थोड़ा सा आउट हो रहा है, देखें कलर थोड़े से आउट हो रहे हैं, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, यही शेड मैंने सेलेक्ट किया और इसका थोड़ा सा आप टेक्सचर ले रहे हैं, देखें अब अच्छा लग रहा है ना। फिर मैंने इसको स्लाइड किया, इसको मैं इसका थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, यहां से मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सेम कलर हो वही आप इसमें इंसर्ट करें, आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। यहां से मैंने ये शेप सेलेक्ट कर लिया, या और लाइट ले लें, उसके बाद ये शेप सेलेक्ट करें, जहां जहां क्लिक करेंगे वो सेम शेड आ जाएगा इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर क्लिक किया मैंने, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इससे, ताकि हल्का सा शेड नजर आए, बस ये देखिए हल्का सा शेड नजर आ रहा है। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट करके इधर क्लिक किया मैंने, और हल्का सा शेड देने के लिए, दिखाने के लिए बस कि यहाँ पे शेड है, तो ये देखें यहाँ पर हल्का सा शेड आ गया। अब लिप्स की तरफ जाएंगे, लिप्स को रेड कर दें, इधर क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा शेड देने के लिए लाइट कर दिया मैंने, फिर यहाँ गया, इसको अब स्ट्रोक हटा दें, स्ट्रोक हटा दें, स्ट्रोक रिमूव कर दें, स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा, या मैं वापस ये वाले कलर दे देता हूं, अब ज्यादा सही लग रहा है। अब ये सिलेक्ट करा मैंने, यहां से आप ये शेड दे दें, या इसी का शेड अगर देना चाह रहे तो इसी का शेड दे दें, थोड़ा डार्क कर दे बस, शेड देंगे जनरेट हो गया, क्योंकि नेक आपकी अब बिल्कुल फेस से अलग लग रही है। यहां भी मैंने ये शेड दे दिया, इसको थोड़ा सा और डार्क कर दें, हेयर्स को आगे लिए ये दो शेड जो है। अब शर्ट का कलर चेंज करते हैं, ये शर्ट का कलर भी आपका चेंज हो गया, तो ये आपके शेप जो है वो कंप्लीट हो गए और फिनिशिंग आपके सामने है। अब मैं आपको बताता हूं इसको बनाने का मकसद, अब देखें कंट्रोल प्लस करके मैं अगर इसको देख रहा हूं तो जहां जहां आपको बग्स नजर आ रहे हैं आप डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू जो है इसको सेट कर सकते हैं। यहां मैंने क्लिक किया, ये इसके हैंडल आ गए, तो मैंने इसको सेव एट इस तरीके से कर दिया, और इसको मैं देखें पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, देखें ये मूव हो रहा है इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हम अपने शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने देखें एक शेप लिया, ये रेक्टेंगल बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, अब देखें ये शेप को मॉडिफाई कर रहा है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये भी, तो बहरहाल इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस टूल की ऑपरेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो अच्छा, अभी हम वापस इमेज की तरफ आते हैं। ये मैंने आपका
जो क्रिएशन है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखें एजेस बिल्कुल शार्प हैं, यहाँ से एजेस देखें आप, अगर इसको जूम करके देखेंगे तो ये देखें बहुत डल रिजल्ट है इसका। अब ये इसको मैंने डिलीट करा, मैं दोबारा फाइल में गया, फाइल से मैंने न्यू में गया और यहाँ से अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, मैंने साइज ले लिया 4000 और 4000 इसको भी कर दिया और ओके कर दिया। मैं इस इमेज को वापस लेकर आ जाता हूँ, कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस लेकर आया और इस इमेज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आया। लेट सपोज यहाँ पे क्लाइंट ने आपको बोला है कि मेरा 4000 by 4000 का साइज है और ये वाली इमेज आपको यूज़ करनी है, तो देखें इसको अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसकी स्केलिंग कर रहा हूँ, तो ये ख़राब हो रही है और रिज़ल्ट बहुत डल दे रही है। ये रिज़ल्ट आपने देख लिया जो कि एक इमेज का था, इसको मैं अब साइड कर देता हूँ और ये शेप मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि अगर मैं एक सिलेक्ट करूँगा तो सब सिलेक्ट होंगे। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ और फिर उसके बाद इधर इंसर्ट करता हूँ। इसको आप स्केलिंग करेंगे बिल्कुल इसका रिजल्ट शार्प रहेगा, आप देख सकते हैं, जूम इन करके भी देख लें बिल्कुल इसका रिजल्ट शार्प है। तो ये आपका बेसिकली रिजल्ट है आपके सामने है। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो ग्रेडियंट से रिलेटेड होगी, अभी इतना काफ़ी है। और जो हम शेप जनरेट करेंगे पेन टूल से भी जनरेट करेंगे और इसके अलावा मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो हमें साथ साथ बेसिक तरीके से भी चलना है और टूल्स को भी बढ़ाना है, क्योंकि आपस में टूल को यूज़ करने का क्या कम्बिनेशन है, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी आपको साथ साथ पता चल जाएगा, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और यहाँ पे शेप का कलर रह गया है, वो अभी मैं इंसर्ट कर दिया। तो बहरहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आज की क्लास नंबर 3 को मैंने अभी एंड किया और मुझे उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास, काफी कुछ सीखा होगा आज की क्लास से आपने। तो जो भी आपका आज की क्लास से रिलेटेड फीडबैक है, कमेंट्स हैं, उसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो, अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मेरी क्लास का मेरा इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे हम। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।